एक्सीलरेटर छोड़ रहा है तुरंत अपने आप कंट्रोल हो रहा है, मतलब गियर में गियर से गाड़ी कंट्रोल हो रही है। चेक करो ये हंटर, ये सब कुछ आपको कंपनी फिटेड मिलता है। तो फाइनली हम लोगों ने गुलाब का फूल ले लिया है, ये चेक करें एकदम ताजा ताजा गुलाब। सो हेलो एवरीवन, भी स्वागत करते हैं आप सबका, एक और न्यू वीडियो में हो चुका सुबह भी आप सबको गुड मॉर्निंग भाई। आज है 1 जनवरी, आज आप लोगों के लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो फिलहाल जा रहे हैं सरप्राइज देखने के लिए, उसके पहले इस वीडियो को ऐसे कंटिन्यू करना है, चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल को प्रेस कर लीजिए। फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर का कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि कल तो वीडियो आ चुका था भाई। एक दिन पहले वीडियो शूट होता है तब आपके पास एक दिन बाद पहुंचता है, तो एक दिन पहले आज शूट हो रहा है तो ये वीडियो कल पहुंचेगा, कल शूट होगा तो परसों पहुंचेगा, तो कुछ इसी तरीके से अपना काम चलता है, पूरा साल चलने वाला है। तो चलते हैं फटाफट, छोटा लो भाई गाड़ी के पास पहुंच गया है और चलते हैं सरप्राइज दिखाते हैं आप लोगों को। सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा भाई आप लोग, ठीक है। कमेंट करके बताइए कहां कहां से वीडियो आज कर रहे हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, ठंडा है यार। नए साल का शुरुआत करने से पहले एक बार भगवान का नाम हो जाए, क्योंकि ये नए साल के दिन में ही अपना वीडियो भी शूट हो रहा है। तो प्रेम से बोलते हैं नमः पार्वती पताये हरा हरा महादेव। बाबा जागा, आ गए भाई साहब BHU गेट के पास। ये देखो भाई दो दो ब्लैक फॉर्चूनर हो बाइक, क्या बात है यार। तो भाई पहुंच चुके हैं BHU गेट भाई साहब, कितना ओहो रजा मजा आवा था गुरु। अरे चलो चलो बताओ क्या हो गया। मालवी जी का इतना बड़ा एहसान है महाराज से, मालवी जी को नहीं सजाया गया। हाँ यार ये देखो मालवी जी को एक माला तक कोई नहीं चढ़ाया आज के दिन। चलो ये तो भाई आदमी का मान सकता है, क्या कर सकते हैं। भाई साहब अभी तक ना धूप नहीं निकला यार, पता नहीं आज यार धूप निकलेगा या भी नहीं निकलेगा, क्या लगता है ब्रो निकलेगा धूप? इसीलिए फैमिली बोले कि बाहर नहीं निकले भाई। हमारी वाइफ लोग बोल रही है, खुद ही बोल रही है घूमने नहीं जाएंगे, बहुत ठंडा है। हाँ बहुत ठंडा है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे ना, इसी वजह से भाई घूमने नहीं निकले हैं। देखते हैं अगर मौसम साफ होता है, मतलब थोड़ा धूप वगैरह अगर निकलता है तो जाएंगे काशी विश्वनाथ न्यू वाला टेम्पल घूमने के लिए सबको लेकर। फाइनली आ चुके हैं अपने मित्र के पास में, तो एक मित्र उधर बैठा हुआ है एक मित्र इधर है, ये देखो अभी बात करने बीजी है, आप लोगों से मिलवाते हैं भाई। आज हमारे मित्र हैं दो दो मित्र, जो कि काफी ये काफी पहले का था और ये काफी पहले का था, मतलब समझे आप लोग बोलने का तरीका। देखो ये काफी पहले का था और ये काफी पहले का था, अब आप लोग समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये है 12 साल पुराना मित्र, कितना 12 साल हो गया इसका यार बारह। और ये है 10 साल पुराना मित्र, फ्रंट मारे थे फ्रंट पे जाके। अच्छा एक मार के दिखाओ, अभी मार सकते हो कुछ? अरे एक मार के दिखाना पड़ेगा स्टंट। तो भाई ये स्टंट भी करता है और आप लोगों को इसका स्टंट एक ना एक तुमको स्टेप दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो चैनल को सब्सक्राइब, ये देखो चाय आ गया। तो इसका इसका बाइक ये हंटर, न्यू हंटर खरीदा है, तो न्यू सरप्राइज नए साल का बधाई हो भाई आपको, नया नया बाइक बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, बधाई दीजिए, भाई ने न्यू हंटर खरीदा है तो इसको अभी ड्राइव करने वाले हैं। ये देखो अपने पास चाबी भी आ चुका है, ये देखो इसमें आर आर का बैचिंग मिल जाता है। और हंटर किसको किसको पसंद है जरूर कमेंट करके बताना। बाइक चेक करो भाई, जबरदस्त बाइक है यार, छोटा सा है प्यारा सा है क्यूट सा है। ये देखो रॉयल इनफील्ड यहाँ पे लिखा है इंजन पे, ये देखो भाई ब्रेक अगर देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। ये देखो शॉकर सिस्टम, यहाँ पे लाइट कुछ अलग धलग सा दिया हुआ है इसमें यार। अभी जला के आपको दिखाएंगे सब कुछ, इसको ड्राइव भी करने वाले हैं। तो चल चाय आ गया सुबह सुबह, चाय पहले फिनिश करते यार, लीकर चाय पिला रहे सुबह सुबह यार, दूध चाय पीते तो मजा आता अदरक वाली। तो चलिए नींबू चाय पीते हैं, उसके बाद फिर चाय फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे ड्राइव करेंगे बाइक न्यू हंटर। देखो भाई हम तो कोई बाइक के रिव्यूअर नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना कुछ भी हमें पता है उतना कुछ आप लोगों को बता देते हैं। तो ये चेक करो ये हंटर, ये सब कुछ आपको कंपनी फिटेड मिलता है। हालांकि ये देख रहे हो साइड शीशा, ये आफ्टर मार्केट बाहर से लगवाया हो ना, ये कितने का पड़ा था विकास? 400 में, दोनों साइड का 400 में। तो ये और ये लाइट कंपनी की तरफ से मिला है कंपनी फिटेड, ये भी अलग से लगवाए हो, ये कितने का पड़ा था? 12,000 का
तो ये जो लाइट है ये 1200 का भाई को पड़ा था बाहर, आफ्टर मार्केट भाई ने लगवाया था। क्या बोल रहे हो? बाइक में कमी इसमें क्या है? क्या कमी बताओ? शॉकर में नाइट्रोजन गैस नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आजकल हर बाइक में नाइट्रोजन गैस दे रहा है कि शॉकर जो है गर्म। अच्छा, ये अलग से लगाया जाता है ना? अलग हाँ, इस पे नहीं। अच्छा अच्छा, ये देख रहे भाई, ये नॉर्मल शॉकर है, कोई नहीं। ठीक है यार, इसका प्राइस अगर क्या पड़ा है अपने भाई से पूछते हैं। भाई इसका प्राइस क्या पड़ा है? 2,14,000 ऑन रोड। अच्छा, तुम गए थे निकलवाने के लिए साथ में ना? एक्चुअली फाइनेंस इसके नाम से हुआ है, तुम्हारे नाम से फाइनेंस हुआ है ना? मेरे नाम। ये कितने का ऑन रोड पड़ रहा है गाड़ी? ऑन रोड 2,14। 2,14, तो कितना डाउन पेमेंट की हो? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए डाउन पेमेंट। कितने साल का किस्त बनवाया? 5 साल का किस्त बनवाया है, महीने का आएगा 4,819। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। मतलब कितना एडवांस तुमसे लिया जा रहा है? ज्यादा 20,000। 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए ज्यादा भाई साहब, शॉक। 3,19,000 का पड़ा है। कल भी पैसा भर देंगे, बोलेंगे जो मेरा बाइक है भाई। शॉक बड़ा चीज होता है। 1,00,000 रुपए ज्यादा लग रहा है, चेक कर रहे हैं आप लोग। 1,00,000 रुपए ज्यादा, कोई नहीं, शौक होना चाहिए भाई, खरीदने का, चलाने का जज्बा होना चाहिए और पैसा। चाय पी के भूख देते हैं। चाय पी के भूख देता है 1,00,000 रुपया। हाँ, एक साल में तो पी जाते हो घर में आराम से 1,00,000 रुपए का चाय। तो चलिए अभी फिलहाल ड्राइव करते हैं बाइक को। इसका इंजन का जो बनावट है ना, थोड़ा जीटी लुक में दिया हुआ है, चेक कर रहे हो भाई। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, देख रहे हो? क्या चीज? रॉयल एनफील्ड का जीटी है, उसी के लुक में इसका फ्रेम दिया। तो चलो पहले अब चलाया जाए ब्रो। हाँ यार, अब चलो। चलो चलाते हैं। कैसा लग रहा है? सिलेंडर की आवाज सुनो तो भाई, लाइट चेक कर रहा हूं आप सब। ये देखो कितना जबरदस्त लग रहा है ना, ये देखो। तो चलो इसको करते हैं थोड़ा सा ड्राइव। जबरदस्त। चीज देख रहे हो भाई, इसमें ब्रेक नहीं मार रहे हैं, ठीक है? ये देखो स्पीड बनाए, मान लो पिकअप बनाए, तुरंत एक्सीलरेटर छोड़ रहे, तुरंत अपने आप कंट्रोल हो रहा है। मतलब गियर में, गियर से गाड़ी कंट्रोल हो रहा है। ये देखो एक्सीलरेटर छोड़ते ही देखो अपने आप कंट्रोल हो जा रहा है, ठीक है? तो ये भाई काफी अच्छा लगा मुझे हंटर पे। तो चलो गाड़ी घुमाते हैं पहले। अब तो भाई बाइक चला के काफी मजा आया भाई, नया साल का नया तोहफा। ये चाबी देख सकते हैं, लो भाई आइए, आपका चाबी, आपका अमानत आपके पास, हमारा अमानत कुछ दिन बाद आएगा तो आपको ड्राइव करना होगा और आपको भी ड्राइव करना होगा। ओके ओके ब्रो, चलेंगे ड्राइव करेंगे हम लोग सब कोई साथ में, ठीक है? तो हम लोग जाएंगे अपना जो बुक हो गया हिमालयन, बहुत जल्द आने वाला है, काफी धुआंधार फाड़ूदार वीडियो आने वाले हैं। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं स्टंट करने के लिए। हम लोग जा तो रहे हैं लेकिन करने वाला कौन है पता है? ये बंदा स्टंट करेगा। क्या क्या दिखाओगे ब्रो फ्लिप में? ये भी पहले स्टंट करता था लेकिन अभी पता है काम बंदा करने लगा है। सही है यार, फालतू काम करने से अच्छा है कि कुछ ढंग का करो। मतलब काम धंधा, पैसा तो भाई बहुत जरूरी है भाई, जीने के लिए पैसा। और ये देखो स्टंट करो, अभी करोगे कि उधर चल के करोगे? अरे यार छुप के क्यों करना, यही करो। वो मेरा जगह है गुरु। वो तुम्हारा जगह पे पसीने से सींचे अपने जगह को। अच्छा अच्छा, हमारा आदित्य नगर पोखरा है तो काफी सुंदर बन गया पोखरा। व्यू चेक कर रहे हो भाई, ये देखो। और यहाँ पे एक साल पहले आप आते ना तो आपको लगता कि यार यहाँ बैठने का मन नहीं करता, लेकिन आज देखो क्या से क्या हो गए, सुंदर हो गया। अब घूमने वाले गांव वाले आते हैं यहाँ घूमने के लिए। ये हमारा स्टंट मैन अभी तैयार हो रहा है फिलहाल। अभी पहले वार्म अप करोगे? वार्म अप करने के बाद फिर कूदोगे ना जी भाई? कौन सा स्टंट दिखाने वाले? नाम तो बता स्टंट का। हम पार्कोर का छोटा सा कॉम्बिनेशन दिखाएंगे और क्या। पार्कोर? अरे यार थोड़ा सा दूर रखो, कम हो गया।
से भी स्टंट करना चालू होगा। चालू करो भाई, बेस्ट ऑफ लक ठंडी के दिन में। ठंडी लग रहा है गुरु। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो एक्चुअली भाई इससे अच्छा अच्छा फ्लिप से मारता है, लेकिन भाई मौसम चेक कर रहे हो, पूरा शरीर में भी जंग पड़ा हुआ है। मतलब ऐसा फिलिप वाला मौसम बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि शरीर से गर्मी, ठंडी के दिन में पसीना निकले, उसके बाद फिर मजा आएगा। नहीं अब ज्यादा नहीं करना, चलो चाय पीते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे, ठीक है? ओके फिलहाल इसका गुलाटी गरम मार लिया है, अभी चलते हैं घर, चलते हैं ब्रो। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। अब निकलना हमें घर, अभी घर के लिए पता है सब्जी अगर अभी लेके जाना है, और आज हमारे घर पे बनेगा तहरी, पनीर वाला तहरी। काफी मजा आता है खाने में, मम्मी घर पे है, मम्मी जी बनाएंगे अपने हाथों से। मटर मटर अगर सब कुछ उसमें पड़ा रहता है, मजा आता है भाई खाने में, सच बता रहे हैं। और आप लोगों को भी दिखा। तो भाई हंटर चला गया ना, काफी मजा आया। और हमारा मित्र बता रहा था ना कि हंटर जो है हिमालयन के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, हिमालयन इससे भी टॉप क्लास का गाड़ी है। हिमालयन का चलाने का फील है, वो इससे भी बढ़िया आने वाला है। तो बस भाई एक्साइटेड है, कब आएगा, जल्दी जल्दी आ जाए, बुक तो हो गया, कंपनी वाले से बात भी हो रहा है। बोला भाई हम ये सोच रहे ना कि खिचड़ी के अगले वाला दिन अगर डिलीवरी हो जाता तो मजा आ जाता। हम सोच रहे खरमास में ना ले तो सही रहेगा, अगर आ भी जाएगा ना तो चलेंगे। बुक हो गया है, जो फाइनल हम लोग को पैसा जो जमा करना है, पैसा अगर जमा हो जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे भाई हमको डिलीवरी खरमास के बाद चाहिए, मतलब 14 तारीख के बाद। 14 तारीख के बाद सही रहता है, कुछ भी शुभ काम करो अच्छा रहता है ना। तो चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। फिलहाल रुके हम लोग घर के लिए सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे एक सब्जी का ठेला दिखा है अंकल जी का, ये देख सकते हैं अंकल। 1 किलो मटर, ठीक है, ले लो फटाक से ले लो। 1 किलो मटर और गोभी, पालक भी ले लो, पालक मेथी का साग सब ले लो। लो पकड़ो, कितना पैसा हुआ? 65 दे दो सौ। तो फाइनली सब्जी अगर आ चुका है, बीन्स मटर फूल गोभी। छोटा भाई खरीद रहा है गुलाब का फूल, सोच रहे भाई नए साल पे सालू को हम देंगे, और छोटा वाला भाई वैष्णवी को देगा, मतलब अपने अपने वाइफ को हम लोग देंगे, ये देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने गुलाब का फूल ले लिया है, ये चेक करें, एकदम ताजा ताजा गुलाब। फाइनली ये हम लोगों का गुलाब है। ए सालू, ये देखो गुलाब। ये लीजिए, ये आपके लिए है। और एक चीज लेके आए थे, लेकिन टोपी लगाए हो, कहाँ लगाएंगे हम? क्या लगाएं? ये लेके आए हुए हैं, ये देखो, ये लेके आए हैं, इसको ऐसे लगाया जाता है, ये देखो ऐसे। कहाँ लगाओ, लगाओ खोल के लगाते, ऐसे नहीं लगाओ, देखो कैसा लग रहा है। देखो फाइनली गजरा अगर लगा चुकी है सालू, ये देखो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना। और ये देखो सोनुआ, ये पूरा तोड़ दिया, ये देखो भाई बहुनी कर दिया हमारे लड़का, ये देखो देख रहे हो, पूरा पूरा गुलाब का फूल देखो तोड़ दिया। इतना दूर ये क्या कर रहे हो बेटा तुम, ये देखो क्या किए हो, पता है पापा इतना मेहनत से लेके आया है कहाँ से, उतना दूर से मम्मी के लिए गिफ्ट, और तुम बताओ ऐसे तोड़ के चकनाचूर कर दिए यार। एक मिनट भाई ये देखो तोड़ के देखो क्या किया, देखो सुनवा, देखो इतना दूर रखे थे पता है। यही होता है भाई घर में अगर। फाइनली भाई हमारे घर पे आज बन रहा है तहरी बन रहा है भाई। ये चेक करे, और हम गलती से क्या बोलते हैं माँ, हमेशा हम बोल नहीं पाते है ना, क्या बोलते हैं बताओ, तेरा ही बोल देते हम, लेकिन भाई तहरी बोलते हैं, तहरी बन रहा है, ये देखिए ठीक है, इतना सारा आइटम पड़ने वाला है, और इधर है पनीर, और इधर छोटी छिल रही है मटर, क्या दे रहे हो? ये दीजिए लाइट वाला गुलाब। थैंक यू, ये टूटेगा नहीं। ये लाइट वाला गुलाब सालू हमको दे, मेरा भांजा हमको लाके दिया था, उसे मांगे थे तब। चलो फिलहाल खाना पीना बन रहा है, मस्त मजा आने वाला है, खा पी के मस्त मजा करेंगे घर पे। तो फाइनली भाई हम लोग का जो तहरी था वो बन के हो चुका है रेडी, तो एक बार खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ओ भाई साहब क्या बना, चेक कर रहे हो भाई आप लोग। एक बार इधर आओ फिर से दिखाते हैं, ये देखो, लेकिन मम्मी ज्यादा बना दिया यार, लग रहा है कच्चा रह गया वो भाई, चावल तो उबला ही नहीं, पूरा चावल कच्चा रह गया, पूरा चावल कच्चा। मम्मी को मैंने बोला था चलो हमेशा भगवान से लेगा।
तो एक्चुअली भाई एक सीन हो गया था, खाना खाने ही जा रहे थे हम लोग, मम्मी ने थोड़ा ज्यादा चावल इसमें डाल दिया था, मतलब एक किलो चावल का तहरी बना था, तो एक किलो चावल इसमें पूरा दब गया था, हो नहीं पाया था, इसीलिए फिर इसमें से निकाल के फिर इसमें मैंने पलटा, पलटने के बाद फिर दो कुकर में